तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है iOS 18.3 के बारे में जो कि आज रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने मेरा फोन वो अपडेट कर लिया iOS 18.3 पे एंड ये अपडेट तो सारे ही डिवाइसेस को देखने को मिल चुका है जो डिवाइसेस iOS 18 को सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों और भी नए अपडेट्स रिलीज हुए जैसे कि tvOS 18.3 रिलीज हुआ है, watchOS 11.3, macOS सुकोया 15.3 एंड iPadOS 18.3। तो ये जो अपडेट्स है वो सारे अपडेट्स सेम डे रिलीज हुए हैं 27 जनवरी को, जिसमें कि हमें बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलती है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें अपडेट साइज की तो साइज आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, 1.14 GB मुझे देखने को मिला है मेरे iPhone 16 में। हो सकता है आपको डिफरेंट साइज देखने को मिले एंड ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। अगर आप iOS 18.2.1 से अपडेट कर रहे हो तो आपको सेम ही साइज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्पल ने कुछ ज्यादा मेंशन भी नहीं किया, एक लिंक दिए जिसपे जाके हम सारी चीजें जो है चेकआउट कर सकते हैं, कौन कौन से सिक्योरिटी अपडेट्स हमें इसमें देखने को मिले हैं। अभी मैं बात करता हूँ फीचर्स की एंड सबसे पहला जो दोस्तों फीचर है वो है कैलकुलेटर में। पहले आप लोगों को पता है कि iOS 18.2 में ये वाली चीज जो मिस कर दी थी, जैसे मान लीजिए हम करते 2 × 2 उसके बाद इक्वल नहीं कर पाते दूसरी बार, लेकिन अब हम इसको बार बार जैसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता रहेगा। आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, सारी चीजें इसमें अब प्रॉपर वर्क करने लगी है। पहले हम सिर्फ सिंगल टाइम कर सकते थे, मान लीजिए हमने एक बार कर दिया तो बस ये यहीं तक होता था, इसके बाद कुछ भी वर्क नहीं करता था अगर आपने iOS 18.2 या iOS 18.2.1 में अगर नोटिस किया हो। तो अभी वापस इन्होंने ये फीचर अनेबल कर दिया है तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों वो है हमारा मैसेजेस में। अगर हम मैसेजेस में जाते हैं, किसी की भी चैट ओपन करते हैं, देन उसके बाद जैसे आपको पता है पहले इसमें हमें जैन इमोजी का जो ऑप्शन है वो सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता था, जैसे हम कीबोर्ड में जाते थे देन उसके बाद यहाँ पे हमें जैन इमोजी का सेक्शन देखने को मिलता था। बट अब जब आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जैसे ये प्लस का साइन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैन इमोजी का आपको नया सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल चुका है। यहीं से आप जनरेट कर सकते हो, आपको कीबोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग यहीं से इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड इसी के साथ दोस्तों नए वॉलपेपर्स भी हमें इसमें देखने को मिले। एक एप्पल अलग सेक्शन निकालता है अपना यूनिटी नाम से, तो इसमें आप जाएंगे वॉलपेपर में, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे यूनिटी नाम से आपको अलग से सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि पहले भी आप लोगों को पता है बहुत सारे जो नए नए यूनिटीज के वॉलपेपर्स हमें देखने को मिलते थे, उसमें अब कुछ ये नए वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं कि यहाँ से आप इनको लगा सकते हो आराम से अपने वॉलपेपर पे। उसके बाद दोस्तों नई चीज आती है जो अगर आपके पास iPhone 16 है या iPhone 16 सीरीज का कोई भी मॉडल है जिसमें कि कैप्चर बटन है, तो कैप्चर बटन को जैसे आप विजुअल इंटेलिजेंस के लिए यूज करते थे पहले होल्ड एंड प्रेस करके, अब आप इसमें पहले ये नॉर्मल जो है कुछ कुछ चीजें ही वर्क करता था, बट अब इसमें एक बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई है, जैसे आप कैलकुलेटर डायरेक्टली यहीं से ऐड कर सकते हो। आपका कोई इवेंट है तो कैलकुलेटर की फोटो क्लिक करनी है आपको, ये ऑटोमेटिकली आपके फोन के कैलकुलेटर में वो इवेंट ऐड कर देगा। एंड प्लांट्स वगैरह को भी अब ये बहुत अच्छे से रीड करने लगा है, पहले नॉर्मल रीड करता था बट अब जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये काम करता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने एक प्लांट के बारे में सर्च किया तो इसने ये सारी चीजें बता दी है। तो ऐसे जो है विजुअल इंटेलिजेंस और भी ज्यादा इंटेलिजेंस हो गया है। बट फिलहाल मेरे को इंडिया में अभी भी एक फीचर देखने को नहीं मिला जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है NFC का। इसमें NFC है तो सही बट वो वर्क नहीं करता। अगर आप टैप टू पे यूज करना चाहोगे तो आप इसमें कोई भी कार्ड वगैरह ऐड नहीं कर सकते, अभी भी वो फीचर इसमें इनेबल नहीं किया है। हालांकि मेरे को लगता था कि iOS 18 में ये चीज होगी, इनेबल हो जाएगा NFC, बट अभी तक इनेबल नहीं हुआ है। मैंने चेक भी किया, जैसे मैं आपको चेक करके दिखा भी देता हूँ। ये चीज आप गूगल पे और पेटीएम में चेक कर सकते हो। पेटीएम में भी अगर आप जाओगे यहाँ पे टैप टू पे अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा ब्लैंक है पेज, अभी भी ओपन नहीं होता ये एंड ना ही अभी तक NFC ऑन किया है इंडिया में। आपको क्या लगता है कब तक ये ऑन कर देंगे, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो ये कुछ फीचर्स थे दोस्तों जो कि हमें नए देखने को मिले। बाकी और जो कुछ बग थे वो फिक्स कर दिए गए। जैसे हम डार्क मोड ऑन करते हैं, एक्सेसिबिलिटीज में चलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैमरा कंट्रोल और साइड बटन जो है ये दोनों ही पहले जो है लाइट मोड में रह रहे थे, मतलब ये डार्क प्रॉपर तरीके से डार्क नहीं हो रहे थे, तो अब ये बटन्स भी डार्क हो चुके हैं इसमें। एंड कुछ नए सिक्योरिटी अपडेट्स भी है जो कि आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली ये चीजें चेक कर सकते हो। बाकी छोटे मोटे बग फिक्स हुए, जैसे कि आप टाइप टू सीरी अगर यूज करते हो यहाँ पे तो कीबोर्ड शो नहीं होता था कभी कभार, अगर वो बग आपके फोन में था तो वो भी अब फिक्स कर दिया गया है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। अगर मैंने कोई फीचर मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।